तो गाइस बिना बक जूते के चलो जाते हैं मुंबई। अभी ऐसा हो गया हम लोग रास्ता एंड तक पहुंचे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है और आगे जाके तो हम लोगों को समंदर ही दिखा। कुछ भी बक रहा है, समंदर नहीं था वो, तो समंदर था नहीं था, खाड़ी बीच था, वो छोटा सा खाड़ी मन ले बीच था, बीच आस पे गए बीच। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। तो मुझे तो लगता है वो मुझे ओढ़ा नहीं गा, मतलब नदी मुझे ना रे खाड़ी है रे, नदी दिखी मेरी को खाड़ी थी उरंची खाड़ी होती मन था ना जा। वो आपको मैं पहले ही बोला था वो आप्पा है। उसके आगे का आप लगा ना। तो आप्पा बोल। मैं बोलूं भाई आप्पा का मतलब क्या है? क्या आप्पा गजब बेइज्जती है। तो गाइस अभी रात के 1:30 बजे हैं। अच्छा तो हम रास्ता चुके हैं। व्हाट? सो गाइस फाइनली क्या देख रहा है आपको पीछे हमारे ताज होटल पे आए हम। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और यहाँ ही इंडिया गेट है, तो इंडिया गेट आपको सुबह दिखाएंगे क्योंकि अभी बंद हो चुका है। बट यहाँ पे ताज होटल पे दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी की टीम रुकी हुई है आईपीएल की, तो वहाँ उनकी लग्जरी हमें दिखी। तो शायद हमें अगर फुटेज मिलता है तो आपको सुबह दिखाएंगे। तो बहुत यार मतलब एक ख्वाहिश थी हमारी, जब भी देखते थे मूवीज़ में देखते थे ताज होटल, बट अभी रियल में देख रहे हैं, हमारे आँखों से देख रहे हैं, तो एक फीलिंग अलग ही है। और हमें बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि यहाँ हम रात के 3 बजे आए, कोई आता है यार। तो हमारा जो ड्रीम था, हमने मूवी में देखा था ताज होटल, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यार, मेरा ड्रीम कंप्लीट हो गया। हम मुंबई हमारे इधर से 500 किलोमीटर है, इधर फोर व्हीलर किधर पार्क करूँ ये भी समझ में नहीं आ रहा था हम लोगों को, लेकिन बाद में घूम फिर के 2 किलोमीटर जाके हमको पार्किंग मिला, ये जगह मिला। तो पार्किंग ऐसा मिला है कि उधर ही क्रिकेट वाली टीम रुकी है, उधर ही हमने पार्किंग की है, तो सुबह उनका मतलब मिल सकते तो बहुत अच्छा होगा। और भी ड्रीम अगर हमारा वो लक होगा तो हम लोग मिल सकते हैं उनको ड्रीम, मतलब वो विराट कोहली वो भी आया है इधर, तो उसको भी मिलना है। हमारे बिग मेरा बिग फैन। सो गाइस आप देख सकते हैं दिल्ली कैपिटल की बस है यहाँ, और ये यहाँ स्टे कर रहे हैं होटल पर, इस ऐसा लग रहा है हमें क्योंकि दो यहाँ पे भी है और यहाँ पुलिस का भी बंदोबस्त है। तो मुझे लग रहा है कि आईपीएल की दिल्ली कैपिटल की टीम यहाँ रुकी हुई है। तो गाइस अभी 4 बज गए, मैं भी हम आ चुके हैं अभी, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी है इधर। अभी ये लोकेशन आपने मुन्ना भाई MBBS का वाचनालय है ना, वो देखा होगा। तो बिल्कुल हम अभी इंडिया गेट के सामने है और आप देख सकते हैं पूरा का पूरा, आपको इधर से होटल का पूरा व्यू अच्छे तरह से देखने को आपको मिलेगा। ये भी ताज होटल का ही पार्ट है क्या? बात और ये ताज होटल, ऐसा ताज होटल है, इसका गेट यहाँ पर है, बैक साइड वाला गेट है, और इंडिया गेट में आपको दिखा रहा हूँ अभी। तो ये बूढ़ी जी की गाड़ी है और इंडिया गेट आप देख सकते हो। देखो गाइस कितना अच्छा लग रहा है हमारा इंडिया गेट, अभी तो बंद है बट शुरू हो जाएगा। शुरू होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा शुरू, मतलब अभी तो गेट उनके ओपन नहीं है, क्लोज है। और ये कुछ तो है ताजमहल का, ये देखो ये झंडा वगैरह ऐसे लहरा रहे ये लोग, तो ये क्या है मुझे अभी तक तो नहीं पता। तो इस तरह से इंडिया गेट का व्यू आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पीछे मेरा इंडिया गेट है और यहाँ देखो ताज होटल, होटल ताज, ऐसे आपको ताज होटल और इंडिया गेट देखने को मिलता है। अभी वॉकिंग कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉकिंग के लिए निकले, 4 BBP सर यहाँ पे। अभी हम ताज होटल देख के आ चुके हैं, इंडिया गेट भी देखा। सो गाइस अभी हम मरीन ड्राइव पे, तो मरीन ड्राइव पे आए मुंबई में,
तो अभी 5 बज चुके सुबह के, मरीन ड्राइव पे थे। मरीन ड्राइव पे होने के बाद अब हम चल रहे हैं गोरेगांव सिटी, मतलब दादा साहेब फाड़के फिल्म सिटी, जो कि बॉलीवुड की सिटी है, वहाँ जा रहे हैं। तो वहाँ जाते जाते एक ब्रिज लगता है, उसका नाम है सीलिंग। तो आगे आपको दिखाई दे रहा होगा, बॉलीवुड के मूवी में देखा होगा बहुत सारे, यहाँ एक्शन सीन्स होते हैं और जब एक्शन सीन्स वगैरह शूट होता है तो ये पूरा का पूरा ब्रिज पूरी तरीके से बंद होता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट से परमिशन ली जाती है और फिर उसे बंद किया जाता है और शूट किया जाता है। तो दोस्तों हम लोग अभी फिल्म सिटी में है और फिल्म सिटी में ये देखो ऐसे सेट एक एक करके हर जगह पे एक एक सेट होते हैं। फाइनली हम आ चुके हैं हमारे रास्ते पर, मतलब हम जा रहे हैं अभी पुणे। तो हम अभी गए थे गोरेगांव सिटी, मतलब फिल्म सिटी जो है गोरेगांव में, वहाँ गए थे। वहाँ जाके हमारा काम था तो वो काम कंप्लीट किया। अब बज चुके 7 सुबह के और चल रहे हैं हम अभी घर पे।